हेलो फ्रेंड्स, टेकबॉक्री यूट्यूब चैनल के फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल नई वीडियो, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा अरिहंत जीके सीरीज़ की बुक्स का प्रीव्यू। इस बात से लगभग सभी स्टूडेंट्स वाकिफ़ हैं कि मार्केट में जीके की काफ़ी ज़्यादा बुक अवेलेबल है, और कुछ स्टूडेंट्स इसी बात से कन्फ्यूज़ रहते हैं कि उन्हें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, और कन्फ्यूज़ होकर वो लगभग सभी बुक खरीद लेते हैं, फिर इस बात से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन सी बुक पढ़ें। तो ऐसे ही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए टेकबॉक्री यूट्यूब चैनल बनाए। ये यूट्यूब चैनल आपके लिए ऐसी वीडियो लाता है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सभी बुक्स का प्रीव्यू दिखाने की कोशिश करता है। तो आज जिस बुक का प्रीव्यू आपके सामने आ रहा है वो है अरिहंत जीके सीरीज। इस सीरीज में आपकी 6 बुक अवेलेबल है, 3 हिंदी की, 3 इंग्लिश की, इसके बैक कवर पर मेंशन्ड है। एक बुक आती है आपकी ₹30 की, ये तीनों इंग्लिश वर्जन है जो आप ऊपर देख पाए होंगे। एक आती है 120 की, एक आती है 185 की। हिंदी में आपकी ₹30, 90 और 120, जैसा कि आप देख पाए होंगे। ये बुक्स आपको निश्चित किसी न किसी डिस्काउंटेड प्राइस पर मार्केट में या फिर किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मिल सकती हैं। चलिए अब जानते हैं इस बुक के कंटेंट में है क्या, यानी इस बुक में है क्या क्या। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश की दिखाता हूँ। कंटेंट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, फिर आपको हिस्ट्री मिलेगी, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, फिर उसके बाद आपको मिलेगी इंडियन इकोनॉमी, फिर जनरल साइंस, लास्ट में जीके के कुछ फैक्ट्स मिलेंगे आपको इन द फॉर्म ऑफ टेबल, चार्ट्स और डिटेल में आपको मिलेंगे थोड़े। एक्चुअली क्या है, ये जो बुक्स आज मैं आपके सामने लाया हूँ, इनमें बस एक ही चीज़ चेंज होती है हर साल, वो है करंट अफेयर्स, बाकी सभी चीज़ें सेम रहती हैं। करंट अफेयर्स आपके बस चेंज होते हैं, इसके अलावा इस बुक का कोई भी पार्ट चेंज नहीं होता, चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स हो या जनरल साइंस हो। इसलिए जो स्टूडेंट्स एक बार इस बुक को खरीद चुके हैं और उनके पास ये बुक मौजूद है, तो मेरा मानना यही है कि वो दोबारा इस बुक को खरीदना, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए वो किसी न किसी न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन पर रिलाई कर सकते हैं, करंट अफेयर्स उसमें मिल जाएंगे। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आप स्पेशली खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। हालांकि आप ये ना सोचें कि हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इंडियन पॉलिटी में आपको बदलाव मिलेगा, यानी इसमें कुछ डिफरेंट मिलेगा, डिफरेंट कुछ नहीं मिलेगा सिवा करंट अफेयर्स के। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब जो जो बेसिक जनरल नॉलेज होती है उसको। करंट अफेयर्स तो साल दर साल बदलते हैं, ये 2019 का एडिशन है, अब 2020 का आएगा, शायद फरवरी और मार्च में आ जाएगा, आप उसे खरीद सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बार अगर आपने ये बुक खरीद ली है तो दूसरी बार ना खरीदें, क्योंकि कुछ भी इस बुक में डिफरेंट नहीं होता, सब चीज़ सेम रहती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंडियन हिस्ट्री, इसमें कैसी थ्योरी दे रखी है। तो थ्योरी काफ़ी इसमें ब्रीफ है, बहुत हल्की थ्योरी दे रखी है, आपको ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगी। केवल केवल अगर आप रिविज़न के पर्पज़ से कोई जीके की बुक तलाश रहे हैं तो इससे बेहतर बुक मेरे हिसाब से कोई नहीं है। जैसा कि आप देख पाएंगे एंशियंट इंडिया, हल्की हल्की डिटेल्स आपको मिलेंगी ₹30 वाले एडिशन में, आप देख पाए होंगे चार्ट्स मिलेंगे आपको, थोड़े बहुत टेबल्स मिलेंगी, फिगर्स मिलेंगी, मेडिवल इंडिया, जैसा कि हम सभी जानते हैं इंडिया की हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेडिवल, मॉडर्न और एंशियंट, तो आपको हिस्ट्री इसमें मिलेगी। उसी तरह से ज्योग्राफी है, कुछ आपको बेसिक डिटेल्स और थोड़ी लाइट डिटेल्स मिलेंगी, ज़्यादा डीप में नहीं है थ्योरीज़ की, बस ये रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया एक कैप्सूल टाइप का है जो आप ऑन द स्पॉट रिवीजन के लिए परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ती बुक है और आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपको कुछ फैक्ट्स मिलेंगे, जीके फैक्ट्स, एब्रीवेशंस मिलेंगी, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज ऑफ द कैलेंडर मिलेंगे आपको, बुक्स एंड ऑथर्स मिलेंगे, सभी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपने ये एक बार परचेज कर दिए तो ऐसी कोई नीड नहीं है कि आप हर साल इसे खरीदें, करंट अफेयर्स के लिए आप
न्यूज़पेपर पर रिलाई कर सकते हैं या फिर कोई भी मैगजीन आप जो मंथली यूज़ करते हैं या नहीं करते उस पर रिलाई कर सकते हैं, न्यूज़पेपर ही काफ़ी है। ये इसका हिंदी वाला एडिशन है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टेंट सेम है, बस लैंग्वेज बदल जाती है। करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको, इसको समसा मई की कहते हैं, फिर भारत का इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, तो पैटर्न वही है, बस लैंग्वेज बदल गई है और इसमें भी करंट अफेयर्स चेंज होते हैं, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होता। अब मैं आपको इसका बड़ा वाला एडिशन दिखाता हूँ हिंदी का, इससे बड़ा, ये 2017 का है लेकिन पैटर्न वही है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, बस करंट अफेयर्स चेंज होते हैं। करंट अफेयर्स भी सभी बुक्स में एक जैसे होते हैं, चाहे वो बुक आपकी ₹30 वाली हो, ₹120 वाली हो, ₹185 वाली हो, करंट अफेयर्स सब में सेम रहते हैं, बस थोड़ी डिटेल्स बढ़ जाती है। जैसा कि मैं आपको इंग्लिश वाले में समझा देता हूँ, ये सबसे बड़ा साइज है इंग्लिश का, 185 वाला, तो इसमें करंट अफेयर्स आपको वही मिलेंगे जो आपको ₹30 वाली में मिलेंगे। आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि दोनों में करंट अफेयर्स अलग होंगे, इसमें थोड़ी डिटेल में मिलेंगे, नहीं, करंट अफेयर्स दोनों के सेम है, बस हाँ थोड़ी आपकी थोड़ी डिटेल में आ जाती है इस बुक में। जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ एंशियंट इंडिया में, हिस्ट्री में, जिससे आपको आइडिया लग ही जाएगा, आपको इसमें डिटेल में मिलेगी थ्योरी जो भी है, जो बेसिक जनरल नॉलेज होती है आपकी, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर आपकी जनरल साइंस हो, या फिर जीके के कुछ फैक्ट्स हो, वो आपको डिटेल में मिलते हैं इस बुक में। बाकी सब चीज़ सेम रहती है, पैटर्न वही रहता है, करंट अफेयर्स भी सेम रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको जानने में मदद मिली होगी कि अरिहंत की जनरल नॉलेज सीरीज कैसी होती है, क्या ये बुक्स आपको खरीदनी चाहिए या नहीं, या फिर अगर आप ये खरीद चुके हैं तो आपको ये दोबारा खरीदनी है या नहीं। और ऐसी वीडियो अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो बस मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई भी बुक का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के इन्फॉर्म कर सकते हैं, अगर इफ़ पॉसिबल तो मैं आपको विद इन 7 to 10 days उसका प्रीव्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। बस आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।